खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में मुख्य रूप से वह है ताड़ासन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात हम इनको करने, प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसा कि अभ्यास में कई बार आपको बताया गया कि अभ्यास करते वक्त अभ्यास की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास कराना हो तब भी यह महत्वपूर्ण है कि उन स्थानों पर जहां अभ्यास आप करा रहे हैं, यानी आपका जो वेन्यू है अभ्यास कराने का, वह साफ सुथरा, स्वच्छ हो, हाइजेनिक हो और हवादार स्थान हो। अभ्यास की तैयारी में हम ये भी निश्चित करेंगे कि हमारे पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान ना हो, हमारे वस्त्र ढीले हल्के सूती वस्त्र हों जो आरामदायक हों। आइए अब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ मिलाए हुए जिस अवस्था में इस समय हैं, दोनों हाथों को आगे की ओर, सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को आपस में इस तरह से मिलाकर और अब यहाँ से ऊपर ले जाते हुए अधिकतम खींचते हुए पेट अंदर की ओर और पंजों के बल खड़े होने का प्रयास, एड़ी से उचकते हुए धीरे से आँखों पर कोमलता के साथ बंद करते हुए और आसन के प्रभाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे और अब पुनः वापस आएं, दोनों हाथों को ऊपर से खोलें और धीरे से अपनी पूर्व अवस्था में वापस आएंगे। इस क्रिया को 5 बार कीजिए, खिंचाव का अनुभव कीजिए, विश्राम कीजिए, अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए। यह आसन हमारे शरीर की अकड़न को दूर करता है, ताजगी प्रदान करता है, मांसपेशियों में खिंचाव और मजबूती लाता है, मेरुदंड को स्वस्थ बनाता है और बहुत उपयोगी है, शारीरिक संतुलन प्रदान करता है, इससे व्यक्तित्व में भी संतुलन बना रहता है।